गुरुवार 15 अगस्त को भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। देश की आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस शहर सहित समूचे अंचल में जोश, जुनून, उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त हुआ था। ऐसे में हर भारतीय के लिए 15 अगस्त गौरव का दिन होता है। हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी, भगत सिंह, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस समेत सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों तक आजादी की लड़ाई लड़ी। आजादी की सालगिरह पर इन महापुरुषों को नमन करने का दिन होता है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर निर्देश जारी किए गए थे। इसके अनुसार राज्य स्तर, जिला, जनपद, पंचायत तथा ग्राम पंचायत मुख्यालयों के साथ शासकीय कार्यालयों पर कार्यक्रम हुए। बेटवा में भी पुलिस थाना, नगर परिषद, तहसील कार्यालय, सोसाइटी कार्यालय, शासकीय अस्पताल अंबेडकर चौराहा सहित सभी शासकीय अशासकीय स्कूलों संस्थाओं द्वारा प्रमुख ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान किया गया। नगर परिषद में ध्वजारोहण पश्चात अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शशि जायसवाल ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। वहीं अंबेडकर चौराहे पर ध्वजारोहण से पूर्व सभी अतिथियों ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राज्य शासन द्वारा बेटमा पुलिस थाना को एक एक्टिवा, दोपहिया वाहन महिला पुलिसकर्मी की सहायता हेतु प्रदान की गई, जिसका थाना प्रभारी और महिला पुलिसकर्मी द्वारा पूजन किया गया। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मंगल कामनाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों के में शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास में चार वर्ग यथा युवा, महिला, किसान और गरीब का आधार स्तंभ के रूप में परिभाषित किया है। युवा मैं संजय सिंह, थाना प्रभारी बेटमा, जिला इंदौर, सभी देशवासियों को एवं बेटमा के सम्माननीय जन को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह स्वतंत्रता दिवस हमें जो है अमर शहीदों की शहादत की वजह से प्राप्त हुआ है, और आज जो हम स्वतंत्र होके स्वतंत्र वातावरण में स्वतंत्र रूप से हैं, वो उसकी कीमत जो है हमारे अमर शहीदों ने और हमारे सोल्जर्स ने दी है। आज हम स्वतंत्र भारत में हैं और स्वतंत्र भारत के साथ इस आज़ादी में हमें संविधान दिया है। आज हमारे पास अपना एक संविधान है। संविधान ने हमको बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए हैं और कुछ हमको नैतिक और मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं। मैं आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आम जन से अपील करूंगा कि हम इस पर्व के आज़ादी से और बहुत हर्षोल्लास से मनाएं। साथ ही इस पर्व में हम अपने मौलिक अधिकारों का तो इस्तेमाल करते ही हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं और अनुरोध करता हूं कि हमें संविधान ने जो मौलिक कर्तव्य दिए हैं, उन कर्तव्यों का भी हम अपनी पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण ईमानदारी से उनका पालन करें और जो है देश के विकास में सहयोग प्रदान करें। मैं थाना प्रभारी बेटमा आप सभी को पुनः आज़ादी की इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।